मतलब बताएं, खाई का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि खुदा ना कोई गिलास गिर जाए, ओए आप बोल लेते हैं ना, अच्छा हाय बोलते हैं, अच्छा यानी कि इस तरह कोई लफ्ज वही आ जाता है हाय। अच्छा, और खुदाफिस को कहते हैं खुदाई पामान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। और मिलने के टाइम जो सलाम करते हैं स्तड़े मसे, अस्तमणे अस्तमणे स्तमणे पाशे स्तड़े मसे, स्तड़े मसे यानी कि अब क्या ले ठीक ठाक सलाम, जो समाज सलाम का जवाब होते हैं और खुदाई पामान। ठीक है, मैंने खाई से सीख लिया ये, खाई से फिर आपने भी बता दी कि क्या यानी कि वही ये कोई चीज गिर जाते हैं, होए 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 बुरा वक्त, वही 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 बोलते हैं। अच्छा, खाई ड्रामा देख रहे हैं आप लोग? कौन सा वाला? खाई देखे है? देखते हैं घर वाले। कैसा है खाई ड्रामा? अच्छा है ना, वो तो सारा आप लोगों का दिखा रहे हैं। आप लोग ऐसे सख्त हो, इतना सख्त हो जैसे वो दिखा रही है, ड्रामा दिखा रहे हो आप, हकीकत कहानी दिखा रहे हैं। अच्छा, उसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है पठान जो है सख्त, जिस तरह इमरान खान ने जिद अड़ाया है, आराम से बैठो कुछ भी नहीं मान रहे। और कैंसर के ऊपर है ये नेट पे है। अच्छा, नेट पे है, इसमें गोटे का और एंटीक दिखा है, इसको ऑप्शन में सारा सिला हुआ काम होगा मिक्स सेट। अच्छा, ये तो किस पूरा मार्केट टू किस, ये इसके साथ बैक साइड बाजू नहीं, ये रहने दे, ये रहने दे, ये रहने दे, लाइट दुपट्टे वाला भी मिल जाएगा। अपना हैंड वर्क है, सारा रूबी क्रिस्टल का वर्क है, ज्वेलरी स्टोन की सेटिंग के साथ, जो ज्वेलरी स्टोन में होता है ना, ज्वेलरी के अंदर जो क्रिस्टल लगता है, ये सारा उसी का। तो ये ढीले तो नहीं है, गिर तो नहीं जाते हैं जल्दी? ये सिले हुए हैं। अच्छा, सारे सिले हुए हैं, नीचे वाले में गला नहीं होगा, ये लेजर सेटिंग के साथ। अगर आप दोनों रखना चाहते हैं दोनों रख, अलग अलग चीज, ये बैग, ठीक है, कलर चार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ये बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी चीजें वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हर चीज जो है वहाँ पे सेट करके रखा अपने रूम में। आपने अपना ट्राउजर निकाले? हाँ, भूल गई अपना ट्राउजर। अच्छा जी, ये है शेरबानों का ड्रेस। आज है मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है बहावलपुर में लाजी यूनस, और उनकी बेटी की आज शादी है माशाल्लाह से। हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, मेरी और लाजी की फ्रेंडशिप को तकरीबन 29 से 30 साल हो गए हैं, और वैसे हम लोग दोनों मिल रहे हैं तकरीबन कितने साल के बाद, जब हम लोग उस घर में थे 18, हाँ तकरीबन 18 साल के बाद आज हमारी व्यूवर्स मुलाकात होगी आमने सामने, लेकिन फोन पे हम दोनों का बहुत अच्छा हम लोगों का आपस में रब्ता रहता है। हालांकि बहावलपुर और मुल्तान में कोई इतना खास सफर तो नहीं है, तकरीबन 1.25 घंटे का सफर है तो, लेकिन ये है कि और उसका जो इन लॉज है वो है भी मुल्तान का, वो खुद लाजी जो है बाबरपुर से है। और जनाब अब ये है कि जी आज हमारी 18 साल के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन फोन पे हम दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं, एक दूसरे को जो वो फ्रेंड्स में होती ना बकवासबाजी एक दूसरे को, मैं तो खैर ज्यादा नहीं करती, वो मुझे ज्यादा गालियां देती है, मैं नहीं करती होती। अच्छा जी, वो भी उसने मुझे देनी, लेकिन ये कि हमारा इतना आपस में प्यार है, इतना प्यार है, जब भी हम दोनों फोन पे बात करते हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खलूस के साथ, उस लड़ाई झगड़े में हमारा खलूस भी होता है, हमारा प्यार भी होता है। तो आज है माशाल्लाह से लाची की बेटी की शादी, जो उसके हस्बैंड है यूनस भाई, वो मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं, और दोनों मेरे ख्याल से पता नहीं 5th क्लास से लेकर या 6th क्लास से लेकर और मेरे ख्याल से कॉलेज तक FSC तक दोनों इकट्ठे रहे हैं।
अच्छा जी, फिर ये है कि जब फर्स्ट टाइम मेरी और लाजी की मुलाकात हुई बहावलपुर में, तो उसके बाद हम दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है हम दोनों अपनी फ्रेंडशिप को निभा रही हैं, बल्कि हमारे जो मियाँ है ना वो हमारी वजह से जो है ना एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ तो जनाब, अब ये है कि ये है शेरबानो का ड्रेस, शेरी आज ये वाला ड्रेस पहनेगी, अभी अपने कमरे में अपनी सारी चीज़ें वगैरह, अपने शूज़ अपने सारे सेलेक्ट करके रखो कौन से शूज़ पहनने। इसके साथ जो है ये मैंने शर्ट ली हुई है शिनायर से, और उसके बाद जो ये ट्राउज़र है ये मैंने बनारसी में बनवाया हुआ है, कैप्री है इसके साथ, और ये इसका है जनाब इसको इसका स्टॉलर है, ये देखें बिल्कुल इसके साथ कंट्रास्ट कर रहा है। अच्छा जी, और ये है मेरी मैक्सी है, तो ये मैंने खुद सारा स्टिच करवाया हुआ है, क्योंकि मुझे रैपिड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने फिर मेरे पास इस तरह के जो है ना 4-5 मेरे पास ड्रेसेस हैं जो मैंने अरेबियन स्टाइल में मैंने खुद भी मैंने 3 ड्रेसेस मैंने खुद बनवाए हुए हैं, और 3-4 जो है मैंने मेरे पास रेडीमेड भी हैं। तो इस तरह करके जनाब ये मेरा है, ये अरेबियन आप ये देख रहे हैं इस तरह से, ये सारा मैंने इसमें वेलवेट में मैंने बनवाया हुआ है, शनील बहुत ही अच्छी वाली जो वेलवेट होती है उसमें मैंने बनवाया हुआ है। इस तरह के इसके स्लीव्स हैं, अंदर ये है इसके शनील की ही है, और बाहर मैंने ये सिल्क की मैंने ये इस तरह से मैंने इसके बनवाए हुए स्लीव्स बनवाए हुए हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैंने स्टॉलर कौन सा पहना है अभी तक मैंने नहीं निकाला, ट्राउजर भी नहीं है, ट्राउजर वो तो मैं मतलब देखती हूँ अभी कौन सा है। अच्छा जी, अब ये है, और उसके बाद जब तैयारी हो जाएगी सारी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो शेरी ये भी है, नहीं इसके साथ सुरकर नहीं था खास, नहीं गोल्डन ज्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला गोल्डन जो आपके हाथ में है इसको प्रेस कर, ये ज्यादा अच्छा है उसके कंपेयर्ड। चलो ठीक। अर्शद सवाणी चंगी है चाचा, हालत तो अच्छा सही है, काम शाम करे दी ये घर का, रोटी वगैरह कौन है अपनी है तू है तू भेणी है ना तू पोत्र बनाया ना तू घर वाले जल फोत यूं मिले तू बदे हैं जी। चले मैं बस सीरम लगाती हूँ आप। हम तो हो गए जनाब बिल्कुल तैयार, और उसके बाद अब हमारी हो रही है रवानगी, और शेरबानो और उसके बबी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जी। व्यूवर्स, एंड टाइम पर क्या हुआ शेरबानो के साथ बताओ भाई क्या हुआ, इसको जनाब वो ड्रेस ही नहीं आ रहा था, और उसके बाद हाँ अच्छा जी, अब ये है कि इसने फिर अपना ड्रेस फौरन चेंज किया, और अब इसका ये वाला ड्रेस है, दिखाओ बेटा बस जल्दी में जो मिला हमने कर लिया। ये है जनाब इसका ये वाला ड्रेस है आज। भावलपुर जाने की ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बात की कि मैं अपनी प्यारी फ्रेंड लाजी को मिलूँगी, और मेरे से तो सच्ची बात है कि जो 1 घंटे का जो सफ़र है ना, ये मैं कह रही कि बस ये ऐसे 1 मिनट में गुजर जाए और मैं वहाँ पे भावलपुर पहुँच जाऊँ। हम लोग डायरेक्ट जो है मार्की पहुँचे थे, और अब हम लोग मार्की पहुँच गए हैं।
जो है ना उसमें आपको ऐड करनी पड़ती है। सबसे वहाँ पे मुलाकात हुई लाजी की अम्मी से, लाजी की बड़ी बहन से, सीमी से, जो कि बहुत बहुत स्वीट हैं, और जनाब उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, सबसे मुलाकात हुई, इतना अच्छा लगा, टाइम का गुजरते हमें पता ही नहीं चला।